झांसी कोलदन में चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाने लाए गए आरोपी ने थाने में ही अपनी गर्दन हसीये से काट ली। हालत बिगड़ने पर उसे पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उलदन थाना क्षेत्र ग्राम बिजना निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ दो दिन पूर्व आशंका के चलते चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गांव वालों की सहायता से आरोपी पुष्पेंद्र को पकड़ा और पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया था। आज जब पुष्पेंद्र ने चोरी का जुर्म स्वीकार किया, लेकिन वह लघु शंका के बहाने थाने के बाहर निकला और हसीये से अपनी गर्दन काट ली। थाने में घटी इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनंद फानंद में भारी पुलिस बल घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर गई, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उल्दा थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज ही पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के दो लोग जीवन और अंकित नाम के दो लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। अब फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में लाई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से बातचीत की गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं। वो चोरी के मामले में पकड़ के लाई थी, पकड़ के नहीं लाई थी, उसको बुलाया गया था, वो पूछताछ के लिए स्वयं आया था। इसने चाकू से बाहर मारा या अंदर मारा? नहीं, थाने कैंपस के बाहर से मारा और अपने साथ लेके आया, अपने साथ लेके आया था। नहीं, तलाशी बात इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसकी कोई तलाशी नहीं। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।